बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि स्पर्म काउंट एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों का स्पर्म काउंट कम हो जाता है। यदि आपका स्पर्म काउंट बहुत लो है तो आप ये ना सोचें कि स्पर्म काउंट लो होने से आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ या जो आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो सब ठीक हो जाएगा। स्पर्म काउंट का इससे कोई लिंक नहीं है। देखो, स्पर्म काउंट और आपका जो सेक्सुअल हेल्थ है ये दोनों जुड़े हुए हैं। यदि आप हेल्दी हैं तो आप सेक्सुअली भी हेल्दी ही होंगे, और यदि आप सेक्सुअली फिट हैं तो फिर आपका स्पर्म काउंट भी नॉर्मल ही होगा। इसका मतलब ये है कि आपका दिमागी स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आपका मतलब सेक्सुअल हेल्थ है, और सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े हुआ आपका स्पर्म काउंट है। तो इन सबको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसको आपको होलिस्टिक रूप में देखना होगा। तो सबसे पहली बात है कि स्पर्म काउंट लो है तो सबसे पहले आप एक अच्छी नींद लेना शुरू करिए, एक्सरसाइज शुरू करिए। दूसरा, आप फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करिए, और तीसरा, आप अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी को इम्प्रूव करिए। तो आप देखेंगे नेचुरली आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो गया है। तो ये तो एक रहा नेचुरल और एक सिंपल वे कि आप इसको कैसे डील करें। लेकिन फिर भी यदि लोगों में स्पर्म काउंट लो है तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ठीक करें तो आपका स्पर्म काउंट नॉर्मली ठीक हो जाएगा। आपको कोई दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला है 7 to 8 hours स्लीप। ड्यूरिंग द स्लीप जो स्पर्म का प्रोडक्शन है या जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो नॉर्मलाइज होगा तो फिर आपका प्रोडक्शन भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद है स्टॉप स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल एंड द जंक फूड। तीसरा है कि आप कार्ब्स कम कर दीजिए। यदि आपके खाने में बहुत ज़्यादा कार्ब्स है, कोल्ड ड्रिंक हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, बर्गर है, आइसक्रीम्स हैं, तो ये सब आपको हटाना होगा। आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इंटेक करना शुरू करिए कि जैसे एग है, बादाम है, अखरोट है, दूध अच्छे से पीजिए, देसी घी भी आप ऐड करिए थोड़ा सा, और ज़रूरी है कि आप सोयाबीन या मटन चिकन भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद है कि आप कुछ ऐसे नेचुरल फ्रूट्स हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं, जैसे कि आपका कैरेट है, चुकंदर है और आपका सेब है। तो इन तीनों को शामिल करिए, इससे आपका नेचुरली स्पर्म काउंट बूस्ट होगा। और लगभग 2 spoons आप देसी घी खाना स्टार्ट करिए, उससे भी आपका स्पर्म काउंट बूस्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए, ई, डी, के है जो कि स्पर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है कि आप अपना वेट रिड्यूस करिए, नॉर्मल वेट को अटेन करने की कोशिश करिए। यदि फैटी लीवर है तो उसको ट्रीट करिए, एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, और कीगल एक्सरसाइज से आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट करने में भी मदद मिलती है, प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होगा और आपकी जो सेक्सुअल स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दूसरे लेवल पे आता है कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत ही नेगलेक्टेड होता है। 70% के आसपास हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड है, वाटर है, तो आपका लिक्विड इंटेक हैज़ टू बी 70 or 75%। यानी कि आपके फूड के अंदर यदि आपको डिहाइड्रेशन है तो फिर ये सारी चीज़ें बेकार हैं, और इन सब से आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेगा। तो आप अपने डिहाइड्रेशन को भी मैनेज करिए। लगभग 3 liters लिक्विड आप लीजिए, उसके अंदर आपका दूध, जूस एंड वाटर ये सब शामिल है, लेकिन लिक्विड इंटेक हैज़ टू बी द 3 liter और द लिक्विड डाइट हैज़ टू बी द 70%। ये आप करिए तो इन सब से आप बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो जाएंगे और आपका स्पर्म काउंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और कुछ केसेस में देखा जाता है कि स्पर्म काउंट डबल से भी ज़्यादा हो जाता है विद इन ए 1 month। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। लेकिन मेक ए नोट्स, यदि थायराइड है तो उसकी दवाई लीजिए, ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई लीजिए, यदि ब्लड शुगर है तो उसको ट्रीट करिए, क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक डिसीज़ या लाइफ स्टाइल डिसीज़ आपके डायरेक्टली स्पर्म काउंट को कम करती है। और यदि थायरॉक्सिन सोडियम हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है तो जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे, उसको नॉर्मल नहीं लाएंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट दोनों ही बूस्टअप नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।